कांटेलाल एंड सन सीजन वन के बारे में बात करें तो गाइस कांटेलाल एंड सन सीजन वन 2020 को ऑनियर हुआ था और 2021 को मतलब 27 अगस्त को ऑफियर भी हो गया था, जिसके टोटल एपिसोड 202 थे। जी हाँ गाइस, इसमें सुशीला और गरिमा यानी कि मेघा और जिया ने अपना किरदार निभाया था और खूब निभाया था। लोगों ने इनकी जोड़ी खूब पसंद की थी, लेकिन फिर इसको ऑफियर कर दिया गया। इसकी एक वजह तो ये भी थी कि इसके कुछ मतलब फिक्स एपिसोड थे जिसके बारे इसको ऑफियर करना था, तो दूसरी वजह ये थी कि इसकी टीआरपी भी बहुत लो आ रही थी। जिस तरह मेकर्स मतलब सोच रहे थे कि टीआरपी आनी चाहिए, उतनी ये टीआरपी नहीं आप ला पा रहा था ये सीरियल, इसलिए इस सीरियल को ऑफर कर दिया गया। लेकिन गाइस अगर हम सीजन टू के बारे में बात करें तो गाइस इस सीजन टू आ रहा है, कांटेलाल एंड सन सीजन टू आ रहा है। जब सीजन वन ऑफर हुआ था तब सुनने में आया था कि इसका सीजन टू नहीं लाया जाएगा, क्योंकि मेकर्स वह तभी सीजन टू लाते हैं जब सीजन वन हिट हो या उसकी टीआरपी अच्छी आ रही हो। इसलिए मेकर्स ने तब डिसाइड किया था कि इसका सीजन टू नहीं लाएंगे, लेकिन अब पब्लिक डिमांड कर रही है कि उनको कांटेलाल एंड सन का सीजन टू चाहिए और उसमें इनको ये दोनों ही किरदार यानी कि जिया और मेघा ही चाहिए सीजन टू में। तो गाइस अब मेकर्स ने सोचा है कि हम ये सीजन टू बनाएंगे और कांटेलाल एंड सन सीजन टू बहुत जल्द ऑन एयर भी करेंगे, जिसमें सुनने में आया है कि मेघा और जिया के साथ काम करेंगे। को स्टार में अगर कोई काम करेगा तो वो है विक्रम और शहजादा। जी हाँ गाइस, विक्रम और शहजादा एक साथ का ये जादू है जिनका ने भी काम कर चुके हैं और उन्होंने भी अपना किरदार खूब निभाया था हर सीरियल में। शहजादे ने अभी छोटे सरदार ने भी हाल में काम किया है और इन्होंने उसमें भी अपना किरदार खूब निभाया है। इसलिए सुनने में आया है कि कांटेलाल एंड सन सीजन टू अगर आएगा तो उसमें मेघा और जिया तो होंगी, तो इन दो बाकी ये दो भी किरदार होंगे, क्योंकि सीजन टू में मेन अगर लड़कियां होंगी तो मेन बॉयज भी होंगे, इसलिए इन दोनों को इस सीजन टू में लाया जाएगा। बाकी देखते हैं गाइस इस न्यूज में कितनी सच्चाई है, वो तो हमें तभी पता चलेगा जब इसको शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी या इसकी कास्टिंग कंफर्म हो जाएगी। बाकी आप लोग कितने एक्साइटेड हैं कांटेलाल एंड सन सीजन टू के लिए और इन कपल्स को देखने के लिए मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा।